नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुजाता। सुजाता's किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सूजी के केक की रेसिपी, जो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट केक बनकर तैयार होगा, एक अलग स्वाद वाला। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आपकी किचन में सारा ही सामान मौजूद होगा, इनसे आज हम केक बनाएंगे। तो चलिए मज़ेदार सा केक बनाना शुरू करते हैं। सूजी का केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है एक बाउल सूजी, आधा बाउल घी, एक बाउल चीनी पाउडर, आधा बाउल दही, एक गिलास दूध, जितनी आवश्यकता होगी उतना यूज़ करेंगे, और दरदरी, और हमने इलायची को कूट लिया है, और बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हम ऐड करेंगे घी। अब ऐड करेंगे इसमें दही, फ्रेश दही मैंने यहाँ पे लिया है, इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर, सब मिक्स करने के बाद अब ऐड करेंगे सूजी। सूजी को भी मिक्स कर लेते हैं। सूजी को हमने मिक्स कर लिया है, बैटर थोड़ा मोटा लग रहा है, तो हम इसमें ऐड करेंगे दूध। पहले हम थोड़ा ही दूध ऐड करेंगे, इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा दूध अभी हम और ऐड करेंगे, क्योंकि सूजी है तो ये अभी फूलेगी तो हमारा बैटर जो है गाढ़ा हो जाएगा। बैटर को हमने ना बहुत पतला करना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अभी बैटर हमारा थोड़ा पतला लग रहा है, तो अभी इसे हम 10 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी और सूजी, दूध, दही, चीनी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगी। फिर हमारा जब हमें इसे दूध की आवश्यकता होगी, फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तब तक के लिए हम इसे सेट होने के लिए 10 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हम रख देंगे गैस में भगोना। मैंने यहाँ पे बर्तन लिया है, भगोना ये चौड़ा था बर्तन, इसमें मेरा जिसमें हम केक जमाएंगे वो इसमें अच्छे से आ जाएगा, तो मैंने इस बर्तन का यूज़ किया है। आप कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपके पास जो बर्तन है अच्छे से डबल हो जाए, इस बर्तन में आ जाए और ढक्कन भी अच्छे से लग जाए, वो बर्तन आपने लेना है। तो मैंने यहाँ पे भगोना लिया है, तो अभी हम इसे हीट करने के लिए रख देंगे। भगोने में ऐड करेंगे हम नमक, नमक को फैला लेंगे। डायरेक्ट हमने केक का बर्तन इसमें नहीं रखना है। और इसमें एक जारी रख लेंगे, लगाते हैं स्टैंड। मेरा स्टैंड तो इसमें आ ही नहीं रहा है, ये देखिए स्टैंड बड़ा हो जा रहा है। स्टैंड तो बड़ा हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे आलू ले रही हूँ, छोटे साइज के मैंने आलू लिए हैं, इन्हें मैंने धोकर पोंछ लिया है। तरीके से स्टैंड बना लेंगे ताकि हमारा बर्तन इसमें अच्छे से सेट हो जाए। आपके पास कोई जाली है जो बर्तन में आ जाए तो आप उसे भी रख सकते हैं। अब हम इसमें ढक्कन लगा के इसको धीमी आंच में रख देते हैं, ताकि हमारा बर्तन अच्छे से अंदर से हीट हो जाए, गर्म हो जाए। मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम का बर्तन लिया है, आप स्टील का कोई भी बर्तन या कोई भी टिफिन, जो भी बर्तन आपके पास रखे हुआ पड़ा हुआ है, जो जिसमें आप केक रखेंगे उसमें आ जाए बर्तन में, तो आप कोई भी बर्तन ले लीजिए। तो मैं इसको पहले घी से ग्रीस कर लेती हूँ। आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगा लीजिए और उसके ऊपर फिर से घी की कोटिंग कर लीजिएगा।
मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो मैं यहाँ पे घी की ही कोटिंग कर रही हूँ। अच्छे से पूरे बर्तन पर हम घी लगा लेंगे। तो घी तो हमने लगा लिया। केक के बैटर भी हमारा देखिए गाढ़ा हो चुका है काफ़ी, तो अभी हम इसमें थोड़ा दूध और ऐड करेंगे क्योंकि हमें बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए। सूजी फूल चुकी है तो बैटर भी गाढ़ा हो गया है। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, ऐड कर लेते हैं। इसे भी मिला लेते हैं और अब ऐड कर लेते हैं जो हमने कूट के इलायची का पाउडर बनाया है वो भी ऐड कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए बहुत ज़्यादा ना मोटा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हमने बैटर बनाना है। हमने 1 गिलास दूध लिया था, थोड़ा ही दूध अब बचा है। देखिए इतना दूध इसमें लग चुका है और हमने बर्तन में घी लगा लिया है। तो अब बैटर को बर्तन में ऐड कर लेते हैं। जिस तरीके से मैदे का केक बनाते हैं उतना ही हमें सूजी के केक में भी बैटर बना सेट करना है। ये देखिए पूरा ही बैटर हमने बर्तन में ऐड कर लिया है। मैं यहाँ पर और कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार किशमिश या बादाम, कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं केक में, और टूटी फ्रूटी भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप इस तरीके का पसंद करते हैं ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी का, तो आप ऐड कर सकते हैं। यहीं पर ऐड कर लीजिएगा ताकि देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं आज हम बनाएंगे सिंपल ही केक बना रहे हैं। तो हमारा बैटर हो चुका है तैयार और बर्तन भी हमारा हीट हो चुका है, तो चलते हैं गैस की तरफ। बर्तन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, हीट ऊपर आ रही है, तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बर्तन को। आराम से ऐड करें क्योंकि बर्तन बहुत गर्म है। इस तरीके से बर्तन को सेट कर लें। अब हम इसे कवर कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल ही धीमा किया हुआ है और हमने बर्तन को अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर में देखेंगे। आधा घंटा हो चुका है तो हम इसको कवर को हटाते हैं और देखते हैं। देखिए अभी केक बेक नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा समय और लगेगा, तो हम इसे फिर से कवर कर लेते हैं। घंटे से ऊपर का समय पूरा हो गया है केक को बनते हुए, तो देखते हैं आप। देखकर तो लग रहा है कि बेक हो गया है, साइड में डार्क ब्राउन कलर आ गया है। हम स्पून डालते हैं या फिर आप चाकू डाल के भी चेक कर सकते हैं। देखिए पूरा प्लेन आ रहा है बाहर, तो हमारा केक बेक हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर दिया है, बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे हाथ में कपड़ा जरूर होना है। इसे निकाल लेते हैं। और आलू भी हमारे सिक चुके हैं, पक गए हैं। ये देखिए आलू भी हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। आप इन्हें सब्जी में यूज कर सकते हैं या फिर इन आलू के आप आलू के गुटके भी बना सकते हैं। बर्तन अभी बहुत गर्म है तो हम पहले बर्तन को हल्का ठंडा होने देते हैं। बर्तन अब हल्का ठंडा हो गया है। केक को चाकू से हल्का सा साइड से इस तरीके से दबा लें और इस तरीके से प्लेट रखें और बर्तन को पलट दें।
केक को पलट लेते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर हमारा छोटा सा केक बनकर तैयार हुआ है, तो हम इसे कट करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। ये देखिए देखिए बहुत ही सॉफ्ट सूजी का केक बनकर हुआ है तैयार। रेसिपी को जरूर ट्राई करेगा। अगर आपको सूजी के केक की रेसिपी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।